आज इनफैक्ट खास करके हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जिसे मैंने 2018 में मैं जब टली आया था तो हेलीकॉप्टर से आया था। तो उसमें मैंने जनता को वादा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब टली आएंगे तो उसमें मैं हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि बाय रोड हम आएंगे। तो उसे एक मिशन मोड में हम लोग ने इस खास करके यांगती टली रोड को एक मिशन मोड में हम लोग ने टेकअप किया। एंड आज न्योकुम का इस त्यौहार में हमको बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरे बाय रोड यहाँ पे इस यांगती टली रोड में आया हूँ। और ये ब्रिज का भी अभी रिकंस्ट्रक्शन जो ब्रिज किया गया है इसका भी उद्घाटन अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे हाथों से हुआ है। तो सरकार की ओर से मैं यांगती टली रोड और ये ब्रिज को मैं टली कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी जनता को आज हम डेडिकेट करने का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं जनता को देता हूँ। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जितने भी जो हमारा टीम ऑफ ऑफिसर्स है उनको भी हम थैंक्स देना चाहेंगे। डिस्पाइट लॉट मेनी चैलेंजेस उसके बावजूद भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। और जो कॉन्ट्रैक्टर भी जो यहाँ पे काम किया है उसको भी तारीफ करने लायक है। रोड ये कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है और ख़ास करके जो ब्रिज जो है जो उद्घाटन हुआ है, तो ब्रिज में दो तीन बार काफ़ी सारा मेजर प्रॉब्लम हुआ है, उसके बावजूद भी इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स लोग मिल के इसको रिजोल्व किया है। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। विजयनगर भी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी मैं बजट सेशन के बाद में एक टाइम निकाल के पूरा कैबिनेट में विजयनगर में होल्ड कर रहा हूँ। तो हमारा जो पुराना जो दो रोड था कि यांगती टली रोड और मियाओ विजयनगर रोड, तो मैंने जनता को प्रॉमिस किया था एंड यू नो मैं काफ़ी खुश लग रहा है क्योंकि हमारा जो टीम है उसका एफर्ट के कारण से आज जनता को ये सारा प्रोजेक्ट डेडिकेट करने को मौका मिला। यांगती में सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो मैंने ये बोला है कि जो हमारा कोलोरियांग जो हाईवे रोड है वहाँ से लेके जो यांगती जो कनेक्ट कर रहा है जो रोड, उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो आने वाला दिनों में मैंने कहा है कि उस रोड को हम वाइडनिंग करके स्ट्रेंथनिंग करके अच्छा रोड बना के हम पब्लिक को हम रीडेडिकेट करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट आज मैं यांगती का पब्लिक को भी हम आश्वासन दे के आया। और ख़ास करके क्योंकि वो यांगती जो रोड है वो टली में जो कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए भी वो रोड इम्पोर्टेंट ये होता है, इसलिए प्रायोरिटी में अभी यांगती रोड को भी हम टेकअप करेंगे। यस डेफिनेटली सबसे पहला तो होता है कि आपका कनेक्टिविटी पहले पहुँचाना होता है, और जैसे कनेक्टिविटी आ जाता है तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना अपना फॉल इन प्लेस हो जाता है। आज जैसे मैं देखा कि यांगती और टली का रोड के बीच में भी काफ़ी सारा लोग अभी रीमाइग्रेशन होके वापस अभी यहाँ पे अपना आया है और घर भी लोग बनाना शुरू कर दिया है। दिस इज़ ए वेरी गुड साइन, इसे वेरी गुड सेंस। तो फर्दर अभी हम लोग रोड टली तक लेके पहुंचा है, उससे आगे फिर पिप सोरंग को भी हमको कनेक्ट करना है और पुराना जो रोड है तमिन टली उसको भी हमको एक्सपीडाइट करना है। तो कल जो भी हो पब्लिक में अपना जो गवर्नमेंट का जो विजन है हम पब्लिक के सामने में रखेंगे से, और ख़ास करके सरकार की ओर से अरुणाचल का जनता और ख़ास करके अपना निसी जो समाज है आप सभी भाई बहन को अपनी ओर से न्योकुम का ढेर सारा शुभकामनाएं। मैं आने न्योकुम से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का घर में खुशी फैले और सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहे। भी है तो सिचुएशन जो हम लोग विजन तय कर चुका है उस तय का फर्स्ट स्टेप हमारा सक्सेस है, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा चलते रहेंगे कि हम अभी मेरा शुरुआत है इंटायर अरुणाचल में लोग का एंड हो रहा है, मेरा शुरुआत हो रहा है क्योंकि मेरा अभी मांगना शुरू होगा क्योंकि पहले हम मेरा ये कटअप पॉइंट था, ब्रिज मेरा लिए कटअप पॉइंट था, कुछ भी मांग नहीं सकता था। अब मैं सारा चीज़ मांगने का गवर्नमेंट सरकार से मांगने का मेरा रास्ता खुल गया है क्योंकि ये ब्रिज खुल गया है कि सारा स्कोप अभी बढ़ गया कि डेवलपमेंट क्या कर सकता है नहीं कर सकता है। ये ब्रिज का वजह से मेरा वह सारा डेवलपमेंट का उसको भी नहीं था, अभी मेरा स्कोप बढ़ गया तो मैं उस लाइन में सारा डॉक्यूमेंट बनाए और जितना विजन है उसको क्लियर कर करके मैं अपना सरकार का साथ मैं वो प्लेस कर दूंगा। तो सरकार पेज मीनार में वो सब हम लोग टली को भी मिनिस्ट्री में लाने का कोशिश करूंगा। हाँ ये एक चीज़ हम इलेक्शन के बारे में एक चीज़ हम बोलेंगे, इलेक्शन क्लियर का हम ये बोलेंगे कि इलेक्शन को अगर हम याद करेंगे हमारा जैसे यहाँ का टली जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में करादाटी डिस्ट्रिक्ट जिसे कंसनसी में हम इलेक्शन को याद करेंगे तो काम नहीं कर पाऊंगा। मैं भूल चुका हूँ इलेक्शन कैसे होता नहीं होता, मैं डेवलपमेंट के लिए एक पागलपन का हिसाब में काम कर रहा हूँ। इलेक्शन का बंद करेंगे, मनी कल्चर चलता है करादाटी वो आइडिया नहीं मेरा पास, पहले भी मेरा पास पैसा नहीं था अभी भी नहीं है, मैं पैसा से नहीं लड़ता हूँ।